हेलो स्टूडेंट्स, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। फ्रिक्शन भी हम लोग एक एक्स्ट्रा फोर्स की तरह वहां पर पढ़ रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बहुत सारी फोर्सेस के बारे में मैंने आपको बताया और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। चलो अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक है इम्पल्स। आज हम लोग सीखेंगे इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं और फोर्सेस का बॉडीज पे जो इफेक्ट है वो क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक, शुरू करते हैं। इम्पल्स समझने से पहले बच्चों हम समझ लें व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स a force that acts on a body for a very short duration, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी पे बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करती हो उसको क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक बॉल आई और बैट ने उसको हिट किया। अब आप सोचो कि बॉल और बैट का जो कांटेक्ट था वो कितने टाइम के लिए था। आप कहोगे आधे सेकंड के लिए भी नहीं था। तो इतने कम टाइम के लिए जो बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ बैट हिटिंग अ बॉल और अ हैमर हिटिंग अ नेल। जब आप कील गाड़ते हो, कहीं पर कील लगाते हो, तो आप देखो कि जब आप हैमर से उस कील पे मारते हो तो हैमर और कील का जो कांटेक्ट है वो कितनी देर तक रहता है, आधे सेकंड के लिए भी नहीं रहता, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है। तो जो फोर्सेस इतने कम टाइम के लिए बॉडी पर एक्ट करती हैं बच्चों उन्हें बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, ओके। तो जरा इसकी डिटेल में चले कि जब एक फोर्स बॉडी पे बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करती है तो एक्चुअली में होता क्या है। देखो हम बैट और बॉल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये बैट है, इस बैट पे ये बॉल आई और इस बॉल ने जब बैट को हिट करा तो क्या होता है बच्चों, जब ये बॉल बैट को हिट करती है तो धीरे धीरे अपनी फोर्स बैट पर बढ़ाती है। समझ में आई बात? ऐसे आप ये समझ लो कि जब मैंने, चलो लाइव करके दिखाते हैं, जैसे मैंने इस हाथ को ऐसे मारा, दिस इज एन इंपल्सिव फोर्स, क्योंकि मेरा हाथ और ये बोर्ड के बीच में कांटेक्ट बहुत कम टाइम के लिए रहा। ठीक है, अब एक्चुअली में हुआ क्या, मान लो ये बोर्ड है तो जब मेरा हाथ ऐसे गया तो पहले ऐसे कांटेक्ट में आया होगा। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा स्लो मोशन में देखूं तो आप सोचो हुआ क्या होगा, मेरा हाथ ऐसे आया, धीरे धीरे फिर मेरे हाथ का जो फोर्स है यानी प्रेशर जो मेरे हाथ का वो बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर धीरे धीरे कम हुआ और कम होते होते फिर कांटेक्ट छूटा। अगर आप इसको स्लो मोशन कैमरा में देखोगे तो आप इमेजिन कर पा रहे हो ना कि ऐसा होगा। तो होता क्या है बच्चों कि ऐसे केस में जब फोर्स बहुत कम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है तो वो फोर्स फिक्स नहीं होती है, मतलब पहले धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती है और फिर धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हम ऐसे केसेस में फोर्स की वैल्यू क्या लें। तो हम ऐसे केसेस में फोर्स की वैल्यू ना लेके हम क्या लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं एवरेज फोर्स। और अगर वो एवरेज फोर्स है, मान लो FAVG, मान लो हम उसको ये नाम दे दें, और वो बहुत स्मॉल टाइम dt के लिए एक्ट करी है, या हम मान लेते हैं कि सपोज फिलहाल टी टाइम के लिए एक्ट करी है, टी इज वेरी स्मॉल, तो इंपल्स दिस एफ एवरेज एक्स फॉर टाइम टी। तो इंपल्स इज डिफाइंड एज, बच्चों इंपल्स होता है दिस एफ एवरेज इनटू टी, दिस इज इंपल्स।
ये जो फोर्स एक्ट करी है और कितने टाइम के लिए एक्ट करी है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। लेकिन सवाल है कि इंपल्स से मिलता क्या है? इंपल्स से क्या मिलता है बच्चों? इंपल्स इंपल्स गिव्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये थोड़ी चीज आपको मैं समझाता हूं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे कि एक बॉडी पे 10 न्यूटन की फोर्स लगी है तो बताओ क्या होगा? अगर मैं फोर्स के साथ टाइम का फैक्टर इंक्लूड करूं तो मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऐसा माने कि मुझे एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करना है, जैसे अगर मैं मानूं कि मुझे ये मैंने नेल लिया और मुझे इसको दीवार में 1 सेंटीमीटर अंदर तक गाड़ना है, मान लो 5 सेंटीमीटर की नेल है और मुझे उसको 1 सेंटीमीटर अंदर तक गाड़ना है, तो ये एक पर्टिकुलर टारगेट है जो मैं अचीव करना चाहता हूं। तो मुझे एक ऐसी फोर्स चाहिए जिसका इफेक्ट ये हो कि वो इस नेल को 1 सेंटीमीटर अंदर तक दीवार में गाड़ सके। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करना होगा? मुझे एक पर्टिकुलर इंपल्स चाहिए होगा उससे। अब मुझे पता है क्योंकि इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, तो मान लो उस नेल को उतना दीवार के अंदर भेजने के लिए हमें 10 क्या होगी, देखो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन सेकंड। मान लो मुझे 10 न्यूटन सेकंड का इंपल्स चाहिए, ये फिक्स है। एक पर्टिकुलर चीज अचीव करने के लिए फोर्स से ये फिक्स है कि इतना ही इंपल्स चाहिए होगा। अब आप क्या करो, अब आपको पता है कि आपको 10 न्यूटन सेकंड का इंपल्स चाहिए। अब इंपल्स है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, यानी कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होना चाहिए 10। तो मान लो आप अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो तो आपको 1 सेकंड के लिए लगानी पड़ेगी, और अगर आप फोर्स कम करते हो 5 न्यूटन तो आपको 2 सेकंड के लिए लगानी पड़ेगी, और अगर आप फोर्स और कम करते हो 2 न्यूटन तो आपको 5 सेकंड के लिए लगानी पड़ेगी। इन तीनों ही केसेस से आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, यानी आपकी जो नेल है वो 1 सेंटीमीटर अंदर तक चली जाएगी। 1 सेकंड के लिए मान लो ऐसे बहुत तेज पट मार के छोड़ दिया, 1 सेकंड के लिए कॉन्टैक्ट रहा, अब फोर्स है कम तो ऐसे तो चली गई है ना, फोर्स है और कम तो काफी देर तक कॉन्टैक्ट बना के रखना पड़ेगा, यानी 5 सेकंड तक, तो वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, यानी कि इससे हमको क्या पता चला कि सेम रिजल्ट्स कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स फॉर लार्जर टाइम एंड फॉर बाय अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स फॉर स्मॉलर टाइम। यानी कि अगर इंपल्स मुझे सेम रखना है दो केसेस में, तो मैं ये बोल सकता हूं, और अगर मान लो इसमें से F1 बड़ा है तो T1 छोटा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तभी सेम आएगा। तो ज्यादा फोर्स कम टाइम के लिए लगा के या कम फोर्स ज्यादा टाइम के लिए लगा के सेम रिजल्ट अचीव किया जा सकता है। समझ में आई बात? ओके, सो दिस इज द इंपल्स विच गिव्स द इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब मान लो जैसे फोर्स लगी बहुत स्मॉल टाइम डीटी के लिए, एवरेज फोर्स लगी, एवरेज फोर्स लगी बहुत स्मॉल टाइम डीटी के लिए, तो बच्चों इंपल्स क्या हुआ? इंपल्स क्या हुआ? एफ एवरेज इनटू टी। अच्छा, एक चीज और बता दें आपको इंपल्स के बारे में, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और टाइम इज अ स्केलर, तो फोर्स और टाइम यानी वेक्टर और स्केलर का जो प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख लें कि इंपल्स इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड इट्स डायरेक्शन
इट्स डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये भी बात तो बेटा ट्रू है कि अगर आई है एफ इंटू टी और कोई वेक्टर तो है नहीं यहां पे, इसी की वजह से ये वेक्टर बना, तो ऑब्वियसली इसकी जो डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है बच्चे, इंपल्स भी उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने कील पकड़ के ऐसे मारा हैमर से तो फोर्स इधर लगी तो इंपल्स भी इधर लगा, क्लियर, ठीक है। सो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि मान लो एक फोर्स जो है वो dt टाइम के लिए एक्ट करती है तो इंपल्स क्या होगा, f एवरेज इंटू dt, ठीक। लेकिन एक फॉर्मूला हमें न्यूटन सेकंड लॉ से पता है, एक फॉर्मूला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से पता है, और वो क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है वो, कि f क्या होता है, dp बाय dt, है ना। F क्या होता है, dp by dt, और dp क्या मिलेगा बच्चों, यहां से dp मिलेगा f into dt, dp क्या मिलेगा f into dt, और इंपल्स क्या है f into dt। इसका मतलब क्या हुआ, इंपल्स को मैं चेंज इन मोमेंटम बोल सकता हूं, इंपल्स को मैं क्या बोल सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम, दिस इज वन, इंपल्स इज एफ इन टू डी टी, एंड दिस इज टू, डीपी इज एफ इन टू डी टी। सो फ्रॉम वन एंड टू वी गेट, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट व्हाट, एफ इन टू डी टी एंड एफ इन टू डी टी, दोनों का आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर हुआ, इंपल्स इज डीपी, इंपल्स इज डीपी, डीपी मतलब क्या, डीपी इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम फॉर वेरी स्मॉल टाइम, ठीक। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, दिस रिजल्ट sometimes इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो यहां पर हम लोग पीछे बार बार ये कह रहे थे इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, और पीछे हमने पढ़ा है कि जब फोर्स किसी बॉडी पे लगती है तो होता क्या है, बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है, और फोर्स ये डिसाइड करती है कि बॉडी का, अगर ज्यादा फोर्स है तो कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स ज्यादा है तो कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स कम है तो उतने ही टाइम में कम मोमेंटम चेंज होगा। तो फोर्स का इफेक्ट है क्या बॉडी पे, बेसिकली फोर्स का इफेक्ट है चेंज इन मोमेंटम, और फोर्स के इफेक्ट को हम लोग इंपल्स बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर इंपल्स क्या होना चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, दिस रिजल्ट इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, कि इंपल्स जो है वो किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम के, ठीक। आगे देखते हैं, देखो अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें फोर्स और टाइम के बीच में, फोर्स और टाइम के बीच में, देखो ग्राफ वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है, सपोज ए इक्वल टू बी इंटू सी, है ना, मतलब कोई भी एक क्वांटिटी है ए जो बी और सी का प्रोडक्ट है, तो ग्राफिकली, ग्राफिकली दिस ए इज द एरिया, एरिया अंडर ग्राफ, किसका ग्राफ, ड्रॉन बिटवीन बी एंड सी, मतलब अगर ए बी और सी का प्रोडक्ट है तो जब आप बी और सी का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो ए होगा, ठीक।
तो जैसे मान लो आपके पास एफ और टी का प्रोडक्ट है, और इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है एफ इंटू टी। इसका मतलब इंपल्स क्या हुआ बच्चों, ग्राफ वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो उससे इंपल्स कैसे निकालना है, इंपल्स क्या हुआ बच्चों, एरिया अंडर फोर्स फोर्स टाइम ग्राफ। इंपल्स इज एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। अब अगर तो ये ग्राफ आपका ऐसा हो जो एरिया आपको सपोज मालूम है, जैसे ये एक ग्राफ हमको गिवन है, ठीक, तो इस ग्राफ को ये मान लो यहां पर 5 न्यूटन का पॉइंट है, ये 8 न्यूटन का पॉइंट है, ये मान लो 5 सेकंड है, ये मान लो 10 सेकंड है, ठीक है, थोड़ा सा ये लेंथ बड़ी है तो मान लो ये 12 सेकंड है, ठीक। तो बोला है कि फाइंड द इंपल्स ऑफ फोर्स इन फर्स्ट 12 सेकंड्स, पहले 12 सेकंड में फोर्स का इंपल्स क्या होगा, तो सिंपली दिस एरिया प्लस दिस एरिया। इंपल्स क्या होगा बच्चों, ये एरिया प्लस ये एरिया, ये क्या है बच्चों, ये है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है इसकी 5, एक है 8, 5 प्लस 8 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, विच इज व्हाट, विच इज 5 प्लस सेकंड वाले ट्रेपीजियम का एरिया। सेकंड वाला ट्रेपीजियम क्या है, ये थोड़ा स्ट्रेट कर दे इसको, सेकंड वाला ट्रेपीजियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड है 8 और मान लें ये भी है 5, तो 8 प्लस 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 5 से लेकर 12 तक, कितनी यूनिट्स बनी, 7 इंटू 7, सो आंसर इज हाफ 13, 13 इंटू 5 इज 65 प्लस हाफ 8 इंटू 8 प्लस 5 अगेन 13 इंटू 7, ठीक है। तो बच्चों हाफ कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा, 65 प्लस 91 हाफ इंटू 156, तो आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों, 78 न्यूटन सेकंड। इंपल्स इज 78 न्यूटन सेकंड। और अगर अगर आपका ये ग्राफ, अगर ये ग्राफ इररेगुलर शेप का हो, जैसे ये तो चलो फिक्स शेप थी, हमको देख के पता चल गया कि ये ट्रेपीजियम बन रहे हैं दो, अब हम मान लें कि ये ग्राफ है ऐसा, मान लो कि ये ग्राफ है ऐसा, ये जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, तो फिर कैसे निकलेगा बच्चों, इंटीग्रेशन से निकलेगा, है ना। इंटीग्रेशन में आपको यही तो सिखा है कि हम मान लें कि एक छोटी सी स्ट्रिप है, डी टी थिकनेस की, और जहां पर हमने ये स्ट्रिप ली है वहां पर फोर्स है एफ। तो यहां पर ये क्या शो कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है कि फोर्स की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तो वो एक फंक्शन होगा। यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ शुड बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एफ शुड बी डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इतने से पार्ट का इंपल्स क्या होगा, इतने से पार्ट के लिए फोर्स कांस्टेंट है एफ और ये टाइम है डी टी, तो इतने से पार्ट का इंपल्स होगा बच्चों एफ टी इंटू डी टी, और ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है मान लो ए, तो टोटल इंपल्स आपको कैसे मिलेगा, 0 से ए इसको इंटीग्रेट करके, है ना, 0 से ए, 0 से ए तक अगर हम इस एरिया को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये पूरा एरिया मिल जाएगा, और एरिया ही तो है, एरिया ही तो है फोर्स और टाइम ग्राफ के बीच का, एरिया ही तो क्या देता है आपको, इंपल्स देता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके ग्राफ वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, इनको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड।
पहला तो ये क्वेश्चन है जिससे हमको सिंपल आइडिया लग जाएगा कि इंपल्स के क्वेश्चंस को कैसे करना है। दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, चलो स्टार्ट करें। देखो, अ हैमर ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 6 m/s स्ट्राइक्स अ वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.1 सेकेंड। एक हैमर ने वॉल को स्ट्राइक किया और हैमर का मास है 1 kg और हैमर जो है 6 m/s से आया, वॉल को स्ट्राइक करा और 0.1 सेकेंड में रेस्ट पे आ गया। कैलकुलेट इंपल्स ऑफ फोर्स, पहला पार्ट इंपल्स ऑफ फोर्स। तो इंपल्स क्या है बच्चों? इंपल्स है चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो इंपल्स हुआ चेंज इन मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू। मास ऑफ द हैमर इज 1, एम कॉमन आ गया 1, वी माइनस यू, तो ये कितना आया? -6 N/s। नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है, रोक रही है, उसका इंपल्स भी क्या होगा? रिटार्डिंग इंपल्स होगा। नंबर टू, रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन ही तो हुई ना इस केस में, क्योंकि रुक रहा है, तो उसको रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाई गई? देखो फोर्स कितनी लगाई गई, ये तो इंपल्स है। अब इंपल्स क्या होता है? देखो फोर्स क्या होता है, इंपल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम। इंपल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स क्या होगा? इंपल्स अपॉन टाइम। ठीक, तो हम पहले फोर्स निकाल लें, हम पहले निकाल लें फोर्स, जो कि हमारे थर्ड पार्ट का आंसर होगा। देखो, रिटार्डिंग फोर्स दैट स्टॉप्स द हैमर, सो फोर्स इज इंपल्स अपॉन टाइम। इंपल्स आया -6, टाइम है 0.1, यानी कि -60 N। रिटार्डिंग फोर्स है तो नेगेटिव आएगी, तो हैमर पे कितनी फोर्स लगी वॉल के द्वारा? 60 N। एंड नंबर टू, अब हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, फोर्स अपॉन मास ऑफ द हैमर 1 kg, तो इट इज -60 m/s². क्लियर? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया बच्चों? एक वॉल है, ठीक, इस वॉल को एक बॉल ने स्ट्राइक किया इस तरीके से और ऐसे वापस आ गए, रिबाउंड हुई वॉल से। मान लो ये एंगल है 60 डिग्री और ये भी एंगल है 60 डिग्री। ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे बुक्स में, बस उसमें वैल्यूज पुट करनी होगी आपको। u वेलोसिटी से आई और u वेलोसिटी से ही ये बॉल रिबाउंड कर गई। A ball of mass m strikes a wall with speed u at an angle of 30 degree as shown. तो ये वाला एंगल है मान लो 30 degree और ये हो गया फिर हमारा कितना? 60 degree. Find the impulse imparted to ball by wall. तो wall ने ball को कितना impulse impart किया बच्चों? Impulse क्या होता है? Impulse is a vector quantity which is p2 - p1. ठीक है, थोड़ी यहाँ जगह कम है, यहाँ पे कर देते हैं। तो देखो यहां पे इसको बना लें एक बार हम, ये वॉल है, इनिशियल मोमेंटम देखो ऐसे आ रही है ये बॉल, तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं बोलूं पी इनिशियल, है ना, ऐसे आ रही है ना बॉल, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन ये है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। इस पीआई, ये पीआई की हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए ना, तो पीआई की वेक्टर फॉर्म क्या होगी? उसके लिए हमें इसके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ये एंगल है 60 डिग्री, सो दिस इज पीआई कॉस 60 एंड दिस इज पीआई साइन 60। ठीक, अच्छा, हमारा जो एक्स और वाई एक्सिस जैसे होता है हम वैसे ही लेंगे, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, this is plus y and this is minus y. So pi क्या होगा बच्चों? pi in vector form x-axis में, positive x-axis में इसका क्या component है? pi sin 60. अच्छा, momentum क्या होगा? mass into velocity. यहां पर भी mu, यहां पर भी mu, क्योंकि velocity change नहीं हुई और mass तो change होता ही नहीं. So pi क्या है? इसके साथ हम लगाएंगे i cap, mu sin 60 √3/2 i cap प्लस, इसके साथ हम लगाएंगे -j cap, तो ये वेक्टर हमारा हो गया pi mu
cos 60 माइनस जे कैप, ये आपका हो गया वेक्टर मोमेंटम वेक्टर इनिशियल मोमेंटम का। पीएफ इज व्हाट, देखो अगर तो आपका क्वेश्चन 1D में ही चल रहा हो तो फिर आपको वेक्टर फॉर्म में करने की जरूरत भी नहीं है, वो भी आप उसको कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1D में नहीं है ना, ये 2D में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपर कैसे करेंगे, वेक्टर फॉर्म से करेंगे। तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर, फाइनल मोमेंटम है इस तरफ, है ना, ये बॉल रीबाउंड होकर इस डायरेक्शन में गई है, ये है पीएफ। अच्छा ये एंगल है 60 डिग्री, सो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा बच्चों क्या, पीएफ कॉस 60, और ये कंपोनेंट होगा पीएफ साइन 60। तो इसका जब मैं वेक्टर लिखूंगा तो ये वाला कंपोनेंट किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, सो दिस विल बी एम यू साइन 60 इनटू माइनस आई कैप, और ये वाला कंपोनेंट किस तरफ है, नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो प्लस एम यू कॉस 60 माइनस जे कैप। तो इंपल्स इंपार्टेड बाय वॉल टू द वॉल इज दिस, अब जरा इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया जाए, एम यू रूट 3/2 आई कैप माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, एम यू बाय 2 जे कैप, इसमें से ये, अच्छा फाइनल वाला हमें पहले लिखना है ना, फाइनल वाले में से इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट करना, फाइनल वाला पहले लिखो, ये तो यही रहेगी टर्म, माइनस बाहर आ गया, और ये तो यही रहेगी टर्म, ठीक है, चलो बच गए, ज्यादा हमको नहीं मिटाना पड़ेगा। सो अब माइनस इनिशियल मोमेंटम एम यू रूट 3/2 आई कैप, और माइनस इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस एम यू बाय 2 जे कैप, तो क्या कैंसिल हुआ, एम यू बाय 2 जे कैप कैंसिल हुआ, और ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये ऐड हो गए, जब ये ऐड होंगे ऊपर एक 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सो इंपल्स इंपार्टेड बाय वॉल टू बॉल इज माइनस एम यू रूट 3 न्यूटन सेकेंड, ठीक है, यही आएगा ना, हाँ 2 से 2 कट गया आई कैप, यानी कि जो वॉल है वो बॉल को सिर्फ एक्स एक्सिस में इंपल्स इंपार्ट कर रही है, उसका रीजन क्या है, वाई एक्सिस वाले इसके कंपोनेंट्स दोनों सेम थे और सेम डायरेक्शन में भी थे, तो दोनों का साइन सेम हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल किया कट गए, हैं तो ये दोनों भी सेम, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट होगा, तो जब हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मोमेंटम जो इंपल्स जो मिला है बॉल को वॉल की तरफ से वो इस तरफ मिला है, और उसकी वैल्यू है ये। क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है, बस ये वैल्यूज गिवन होंगी मास और वेलोसिटी की, तो वो आप पुट कर लेना, ठीक। तो ये था इंपल्स का लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पढ़ते रहो, खूब सारी प्रैक्टिस करो।